नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जदयू के वशिष्ठ नारायण सर। सर, आज का जो मीटिंग में बातचीत हुआ उसके बारे में दो बात बता दीजिए। देखिए, आज के मीटिंग में मैंने देखा अपने छात्र संगठन में, छात्र जनता दल यू के संगठन में मैंने बहुत जोश देखा, उत्साह देखा, उमंग देखा और हमको प्रसन्नता हुई कि ये लोग संगठित जिस ढंग से हो रहे हैं। इस संगठन को देख करके मुझको लगता है कि इनका एक बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने के लिए, यानी ये छात्र जनता दल यू इस ढंग से अपने को संगठित हो रहा है कि पार्टी को इससे केवल शक्ति ही नहीं मिलेगी, पार्टी और गतिशील होगी, मजबूत होगी और साथ साथ लोगों के बीच में समाज सेवा की भावना पैदा कर देगी। क्योंकि चाइल्डहुड ही होता है, कम उम्र में ही संकेत मिलता है कि जिंदगी किधर जाना है, किधर जाना है। जब इन लोगों के बीच में मैंने देखा है और पाया है कि इसमें काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, अपनी बातों को ठीक ढंग से रखते हैं, तो मुझको प्रसन्नता हुई। और मैं मानता हूं कि जितने लोग यहां इकट्ठा हुए, जिस ढंग से 1 मार्च की तैयारी, जो रैली नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का समूह इकट्ठा हो रहा है, बड़ा सम्मेलन, बूथ लेवल के कार्यकर्ता आ रहे हैं, इनकी भी पहचान अलग से होगी और उसे हमको प्रसन्नता है। क्योंकि हम लोगों ने भी छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया है, कि ये इस रूप में चल रहे हैं तो आगे भी ये और ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, शक्तिशाली होंगे और पार्टी को ताकत। सर, बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, उसके बिहार के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बिहार तो चल रहा है अच्छे ढंग से। 2005 जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उस समय का बजट कितना था और आज का बजट कितना हो गया है? जिस समय नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, आज बजट कितना हो गया? और बजट तो बिहार के आम लोगों के दृष्टि से, आम लोगों के कल्याण के दृष्टि से और आम लोगों को दृष्टि में रख के नीतीश कुमार प्रेजेंट करते हैं, जिसमें जिंदगी के विभिन्न आयामों की भी चर्चा हो जाती है, विभिन्न पक्षों का, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे बिहार की संरचना को नए ढंग से गठित करने की मामला। नीतीश कुमार ने तो सभी क्षेत्रों में काम किया, इसलिए मैं मानता हूँ कि बजट आम लोगों के लिए न केवल राहत बल्कि फायदा पहुंचाने के लिए, बल्कि बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए ये बजट आ रहा है। और ये तेजस्वी का बेरोजगारी यात्रा पे क्या कहना है सर? अब देखिए, अब लगता है कि रोजगार के लिए अपने ही प्रयास कर रहे हैं, तो अभी इसमें क्या बेरोजगारी, तो खुद विरोधी दल के नेता ही हैं, तो उनको बेरोजगारी यात्रा करने की क्या जरूरत है, तो खुद है रोजगार में। ये तो वशिष्ठ नारायण जी, अगर इनकी बातों में आपको दम दिखे, इनका आवाज अच्छा लगे तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर। दादा के आवास पे रहने और खाने पीने भोजन की व्यवस्था की गई है, तो सभी प्रमंडल भाई हम लोगों ने उसके स्वागत के लिए, रहने के लिए कौन उसका स्वागत करेगा, इसी तरह से हम लोगों ने निर्धारित किया है, तो हर जिले से जो लोग आएंगे सैकड़ों की संख्या में, उसका भोजन कौन कराएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, इस तरह से हम लोगों ने सभी तैयारी कर ली है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आगामी 1 तारीख को छात्र जनता दल यू एकजुटता और ताकत और उसके अनुशासन, दोनों तीनों चीज़ एक साथ देखने को मिलेगी। यही चंद शब्दों के साथ।